जय हिंद नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों पिछले दो दिनों से डिफेंस पेंशनर से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और ये मुद्दा है एक पीसीडीए का मैसेज जिसमें लिखा था कि आप जो अभी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वो ओ आर थ्री से ज़्यादा बेनिफिशियल है इसलिए आप इसी पेंशन का आनंद लेते रहें इसका मतलब ओ आर में आपकी कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं होगी इसके साथ साथ एक सुबदार मेजर जिनको ऑनर लेफ्टिनेंट कमीशन मिला उनके साथ में भी एक बड़ी घटना हुई है तो इस वीडियो में हम जानेंगे जे सावधान ऑनरे कमीशन लोगे तो पेंशन बढ़ने की जगह कम हो जाएगी ऐसा ओ आर ओ पी थ्री में हुआ है पेंशन नहीं बढ़ेगी मैं आपको कुछ दस्तावेजों के साथ में बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है और कौन सी ऐसी रैंक है यदि वो ऑनरी कमीशन लेती है तो उसकी पेंशन बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी देखिए दोस्तों ये रैंक है सूबेदार मेजर सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप यदि आप यहां पे देखेंगे कि वो साढ़े बत्तीस साल तैतीस साल या उससे ज्यादा सर्विस कर रहे होते हैं और उसी समय उनको यदि ऑनरी लेफ्टिनेंट कमीशन से नवाजा जाता है तो उस समय उनकी तनखा बढ़ जाती है उनको लेफ्टिनेंट की सैलरी मिलना शुरू हो जाती है तो साढ़े बत्तीस साल में ग्रुप एक्स की ओआर थ्री में मौजूदा पेंशन है बयालीस हजार छह सौ पचास रुपए और तैतीस और तैतीस से ज्यादा भी यदि सुबेदार मेजर सर्विस करके आए हैं तो उनकी एक्स ग्रुप की पेंशन बयालीस हजार छह सौ पचास रुपए यानी बत्तीस साल और छः महीने से ज़्यादा सर्विस की है तो बयालीस हज़ार छः सौ पचास रुपये पेंशन सुबहदार मेजर को एक्स ग्रुप वालों को मिलेगी और वही सुबहदार मेजर साहब यदि ऑनरी लेफ्टिनेंट पा लेते हैं तो उनकी पेंशन कम हो जाएगी और ओ आर ओ पी थ्री में ऐसा हुआ भी है देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ रेड ब्रैकेट में तीस साल क्वालिफाइंग सर्विस ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन को मार्क करके रखा हुआ है तो जहाँ बयालीस हज़ार छः सौ पचास सुबहदार मेजर एक्स ग्रुप को मिलनी चाहिए थी यदि वो सुबहदार मेजर रहेंगे एक्स ग्रुप में ही ऑनरी लेफ्टिनेंट नहीं मिलेगा तो बयालीस हज़ार छः सौ पचास ही पेंशन मिलेगी लेकिन जैसे ही ऑनरी लेफ्टिनेंट बन गए उनकी पेंशन इकतालीस हज़ार दो सौ रुपये हो जाएगी और उनकी मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार क्वालिफाइंग सर्विस तीस साल ही मानी जाएगी अब सुबहदार मेजर एक्स ग्रुप के सोचेंगे मैंने बत्तीस साल और छः महीने सर्विस की है तो मेरी बयालीस हज़ार छः सौ पचास से बत्तीस साल और छः महीने में, में मेरी पेंशन छियालीस हज़ार तीन सौ रुपये होनी चाहिए क्योंकि मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट हूँ लेकिन ऐसा नहीं होगा इसके पीछे एक बड़ा नियम काम कर रहा है जो सर्कुलर है। तो कि सर्कुलर नंबर ट्रिपल फाइव में लिखा हुआ है तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि सर्कुलर नंबर ट्रिपल फाइव में क्या लिखा है देखिए इस सर्कुलर के अपेंडिक्स के में लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फॉर रेगुलर आर्मी बाकी रैंक वाइज जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार पेंशन में कोई विसंगति नहीं आई लेकिन जो केवल सुबार मेजर से ऑनरी लेफ्टिनेंट कमीशन जिन्होंने ऑनरी कमीशन लिया है उन्हीं की यहाँ पे पेंशन में विसंगति आई है यहाँ पे आप ऑनरी लेफ्टिनेंट में देखेंगे तो 30 मई उन्नीस से लेकर अब तक जो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक ऑनरी लेफ्टिनेंट का लिया जा रहा है वो 21 साल से लेके 30 साल तक ही लिया जा रहा है यानी ऑनरे लेफ्टिनेंट की जो पेंशन है वो 30 साल तक ही काउंट होगी और ये जो मैक्सिमम 30 साल यहाँ पे लिया जा रहा है इसी 30 साल को ओ आर ओ पी थ्री टेबल में भी शामिल कर लिया गया है ऑनरे लेफ्टिनेंट यदि है तो उनकी पेंशन का जो फिक्सेशन है ओ आर ओ पी थ्री की टेबल में जो क्वालिफाइंग सर्विस तीस साल के अनुसार ही होगा अब दोस्तों बड़ा सवाल कि ये विसंगति ओ आर ओ पी टू ओ आर ओ पी वन में सामने क्यों नहीं आई तो इसके लिए मैंने आपके लिए टेबल नंबर सेवन जो ओ आर ओ पी टू की है सुबार मेजर ग्रुप एक्स और वाई की वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिसमें देखिए कि जो ओ आर ओ पी टू में सुबेदार मेजर की पेंशन सभी ब्रैकेट में सभी क्वालिफाइंग सर्विस में ऑनरी लेफ्ट से कम है आप तीस साल इक्कीस साल बत्तीस साल तैतीस साल देखेंगे तो मैक्सिमम पेंशन 39,925 है और ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन 41,200 है तो ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन ज़्यादा होने के कारण उस समय इस विसंगति का पता नहीं चला लेकिन अब आप देखेंगे तो 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस की जो ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन है वो साढ़े बत्तीस और तैतीस साल क्वालीफाइंग सर्विस के सुबार मेजर से कम हो गई है देखिए ओ आर ओ पी थ्री की टेबल में आपको फिर दिखाता हूँ देखिए ये है टेबल नंबर सेवन ओप ओ आर ओ पी थ्री तो सुबेदार मेजर एंड एकवेलेंट का ग्रुप एक्स का देखें यहाँ पे तो तीस साल क्वालिफाइंग सर्विस में पैंतीस हज़ार नौ सौ पचहत्तर है इकतीस साल में चालीस हज़ार छः सौ है बत्तीस साल में चालीस हज़ार छः सौ है और तैंतीस और तैंतीस प्लस की बयालीस हज़ार छः सौ पचास है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है बत्तीस साल और छः महीने की अब दोस्तों कोई सुबेदार मेजर मान लो इकतीस साल किया और ऑनड्रे लेफ्टिनेंट मिल गई तो उनकी तो ठीक है कि इकतीस साल में चालीस हजार छः सौ है और ऑनरे लेफ्टिनेंट मिल गई तो तीस साल क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार इकतालीस हज़ार दो सौ रुपये पेंशन हो जाएगी यदि कोई बत्तीस साल किया है तो भी चालीस हज़ार छः सौ है और उनकी पेंशन ओ आर ओ पी थ्री में इकतालीस हज़ार दो सौ हो जाएगी लेकिन जिसने बत्तीस साल और छः महीने या उससे ज़्यादा सर्विस कर ली है तो उनकी पेंशन सुबार मेजर एक्स ग्रुप रैंक में बयालीस हज़ार छः सौ पचास रुपये होगी यदि उनको ऑनरे लेफ्टिनेंट मिल जाता है तो ये पेंशन कम होकर इकतालीस हज़ार दो सौ रुपये हो जाएगी बस यही है पेंशन विसंगति ओ आर ओ पी थ्री की इसी को लेकर जब एक अक्टूबर दो हज़ार चौबीस को पेंशन का मैसेज आया कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी नहीं होने वाली है तो एक अक्टूबर को ही एक सुबेदार मेजर साहब जिनको ऑनरे लेफ्टिनेंट मिला वो पीसीडीए में गए और वहाँ पे उन्होंने शिकायत लिखी एक अक्टूबर चौबीस को ही पी ने जवाब दे दिया कहा उपरोक्त शिकायत के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके पेंशन का कोरोजेंडम पीपीओ नंबर द्वारा ओ आर थ्री के आधार पर मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तीस वर्ष के अनुसार सही रिवीजन किया गया है इस संदर्भ में यह अवगत कराना है कि परिपत्र संख्या सिक्स डबल सेवन दिनांक छः सेप्टेम्बर दो हजार सोलह के पेरा दो के अनुसार ओ आर वन से संबंधित परिपत्र संख्या ट्रिपल फाइव यानी ओ आर का सर्कुलर ट्रिपल फाइव दिनांक चार फरवरी सोलह के सारे दिशा निर्देश ओ आर ओ पी थ्री में समान रूप से लागू होंगे जो मैंने अभी आपको ट्रिपल फाइव सर्कुलर का दिखाया मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑनर लेफ्टिनेंट का तीस साल ही है और वो ओ आर ओ पी वन टू थ्री सब में लागू होंगे आगे भी ओ आर ओ पी फोर आएगा तो भी ऑनर लेफ्टिनेंट का मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तीस साल ही रहेगा चाहे एस एम साहब बत्तीस साल या तैतीस साल सर्विस करके आए हो यदि वो एस एम रहते तो उनकी पेंशन ज़्यादा बनती लेकिन ऑनर लेफ्टिनेंट पा लिया तो उनकी पेंशन कम होगी जिसको अपेंडिक्स एक्स के अनुसार लेफ्टनेंट का मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तीस वर्ष ही है यह अपेंडिक्स एक्स और यहां पे आप देखें लेफ्टनेंट का देख लेते हैं ये लेफ्टनेंट और मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट थर्टी ईयर्स अब दोस्तों एक सुबेदार मेजर उन्नीस सौ अंठानवे के बाद मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार तैतीस साल तक सर्विस कर सकता है तो जो जो बड़ी रैंक है जो कि सुबिधार और सुबेधार मेजर को ही मिलती है तो वो तीस साल तक ही क्यों काउंट किया जाएगा ये एक विसंगति है इसको लेकर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में याचिका डालने की आवश्यकता है कि यदि कोई सुबहदार मेजर साढ़े बत्तीस या तैंतीस साल क्वालिफाइंग सर्विस करके रिटायरमेंट होता है तो ओ की टेबल में उनको साढ़े बत्तीस और तैंतीस साल या तैंतीस साल से ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार जो पेंशन बनती है वो पेंशन दी जाए तभी यहाँ पर सुधार हो सकता है नहीं तो सुबधार मेजर जो ऑनरो लेफ्टिनेंट पाएंगे उनको बत्तीस साल या उससे ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस करते हैं तो गाटा होगा ही तो ऐसे कोई और भी एसएम साहब है जिनको ऑनर लेफ्टिनेंट मिला है साढ़े बत्तीस साल या तैंतीस या तैंतीस से ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस है उनकी पेंशन ओ आर थ्री में ऑनर लेफ्टिनेंट की तीस साल क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार फिक्स हुई है तो उनको कहीं शिकायत डालने की आवश्यकता नहीं है उनको सिंपली आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में याचिका डालनी है सुनवाई होगी दूध का दूध होगा पानी का पानी होगा ये एक विसंगति है जिसको दूर करवाने की आवश्यकता है तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको जो ओ आर ओ पी की विसंगति है जिसमें मैसेज मिला कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी और हो सकता है कि आगे ओ आर ओ पी फोर ओ आर ओ पी फाइव में भी रिपीट हो इसलिए इस विसंगति को ख़त्म करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर पी सी डी ए सी जी डी ए आँख खोल के टेबल में देख के काम करें और ये केवल मेजर लेफ्टिनेंट के साथ ही ऐसा हो रहा है बाकी रैंक का कोई समस्या नहीं है इस वीडियो में इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में आपसे जुड़ी और जानकारियों के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय